हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर कृषि मंडी में आए दिन बढ़ रही चोरी की घटनाएं, कृषि मंडी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर के अलग अलग जगहों पर से कभी दुपहिया वाहन चोरी होते हैं तो कई बार सूने मकानों के ताले टूट जाते हैं। लेकिन बीती रात को दो अज्ञात चोरों ने बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित कृषि मंडी में करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ दिए, जिसमें नकदी, कीमती सामान सहित दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और साथ ही एलसीडी स्क्रीन भी अपने साथ ले गए। आज सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानों पर आए तो उनके दुकानों के ताले टूटे नजर आए, जिस पर उन्होंने पुलिस थाना कोतवाली को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आसपास के अन्य दुकानों की सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने कृषि मंडी के दोनों गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि बाड़मेर शहर के साथ साथ कृषि मंडी में भी आए दिन इस प्रकार की चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मंडी प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि व्यापारियों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। बाड़मेर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मांग की कि जल्द से जल्द चोरी करने वालों को पकड़ा जाए और उनका माल और पैसा लौटाया जाए। इसके साथ ही मांग की गई कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, चौकीदार लगाए जाए, साथ ही रात को पुलिस गश्त करे, चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके 5 दुकानों के ताले तोड़कर सामान और पैसा जो ले गए हैं वो वापस दिलाया जाए। व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक सभी मिलकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही कृषि मंडी की दोबारा ऐसी वारदात न हो, मंडी में माल की सुरक्षा करने का कदम उठाया जाए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।